सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेथिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 11, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है एंड चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी, उसको आगे लेकर चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को जो है स्टार्ट किया था, और चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, और दो मेन फॉर्मूलाज, दो स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज उस चैप्टर के हमने पढ़े थे। ठीक है, आई होप आपको वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पिछली वीडियो का लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। सो आज हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को जो है आगे लेकर चलेंगे। एक नया टॉपिक और मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर डिस्कस किया टॉपिक को, ऐसे ही आज वाला टॉपिक भी हम कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे, उनकी हेल्प से आपको टॉपिक जो है समझाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। सो आज की वीडियो का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वोल्टेज के इक्वल कैसे होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो में ध्यान से बने रहना है, और जो जो मैं आपको नोट करवाऊंगी वो आपको नोट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास वोल्टेज के इक्वल होता है। तो लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस आखिर है क्या, वोल्टेज क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की, अगर हम बात करते हैं किसी वायर में से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कब फ्लो करता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ रहे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी चार्ज जनरेट होएगा ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कैसे करेंगे, अपने आप मूव करने लग जाएंगे, अपने आप चल पड़ेंगे, अपने आप दौड़ेंगे, अपने आप रुक जाएंगे, ऐसा अपने आप चलेगा प्रोसेस? क्या ये अपने आप चलने वाला प्रोसेस है? ऐसा कुछ होता है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, चलो हम तो ह्यूमन बींग हैं, कुछ संभाल लेना होगा तभी हम मूव करेंगे, कहीं जाना होगा, कुछ करना होगा तभी हम अपनी मूवमेंट रखेंगे, तो क्या कुछ कोई काम अपने आप हो जाता है? उसको इनिशिएट होने के लिए कोई कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, तो क्या उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? ऐसा है, आपके घर में पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, टीवी ऑन हो रहा है, अपने आप ऑन हो जाता है, उसमें कुछ किसी चीज़ की नीड की ज़रूरत नहीं होती, किसी कोई चीज़ की नीड नहीं है, होती है ना। फ़ैन को ऑन करोगे तभी चलेगा, टीवी का स्विच ऑन करोगे तभी टीवी ऑन होगा, लाइट का स्विच ऑन करोगे तभी लाइट ऑन होगी, है ना। तो ऐसे ही बच्चों, वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज उनको भी स्विच की ज़रूरत है, जैसे ही स्विच ऑन होगा इलेक्ट्रॉन फटाफट से दौड़ेंगे, फटाफट से उनको चार्ज निकलेगा, है ना। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास किसका यूज़ है, आप कह सकते हो या तो वो बैटरी का यूज़ होगा, है ना। तो वो स्विच क्या है, बैटरी है, या उसको वोल्टेज कह लो, है ना। तो ये क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का काम कर रही है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके इक्विपमेंट में से, आपकी वायर में से मूव करें, और जब वो मूव करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ से मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल के साथ जो है ये बात समझाऊंगी कि बैटरी या वोल्टेज है, ये बैटरी है, ये काम कैसे करती है, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करती है बच्चों, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉमन एग्जांपल मैं उठाऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ध्यान से समझना, ठीक है, चलिए देखते हैं।
सो बच्चों आपको बोर्ड पे क्या नज़र आ रहा है, ये दो वाटर के ना टैंक्स हैं। मैंने दो वाटर के टैंक्स को क्या किया है, कंसीडर किया है। मैंने दो वाटर के टैंक ले लिए हैं। फर्स्ट टैंक में जो है पानी का लेवल यहाँ तक है, इस वाले टैंक में जो है ज़्यादा पानी है, और जो सेकंड टैंक है उसमें पानी जो है थोड़ा कम है। फर्स्ट वाले टैंक में पानी ज़्यादा है, सेकंड वाले टैंक में पानी कम है। मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक में एक पाइप को इंसर्ट कर दिया है, इनके बीच में मैंने एक पाइप को लगा दिया है। ठीक है, अब इस पाइप को लगाने से क्या काम होगा, इस पाइप को लगाने से क्या काम होगा, जो ये पानी है टैंक नंबर फर्स्ट में जो पानी है वो इस टैंक सेकंड में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टैंक में काफ़ी ज़्यादा पानी है, इस वाले में कम पानी है, आपने पाइप लगाया है तो नेचुरली जो ये वाला पानी है इसमें से इसके अंदर ट्रांसफ़र होना क्या है, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये इसके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इस सेकेंड नंबर वाले पानी का जो टैंक है इसके अंदर और फर्स्ट वाले के अंदर पानी का लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कि फर्स्ट टैंक में जितना पानी है उतना ही टैंक सेकंड टैंक में आ जाए। और ये प्रोसेस होने के कारण होगा क्या, इस वाले टैंक का पानी कम होगा, इसका बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब इन दोनों टैंक में सेम पानी होगा, है ना। इन दोनों टैंक में सेम पानी होगा। क्या मैंने दोबारा से आपको रिपीट कर दी, तो क्या बोला मैंने, मैंने दो टैंक को कंसीडर किया है, फर्स्ट टैंक और सेकंड टैंक। फर्स्ट टैंक में पानी का लेवल इतना है, ज़्यादा है, और सेकंड टैंक में पानी का लेवल कम है। मैंने क्या किया है, फर्स्ट टैंक से लेके सेकंड टैंक में एक पाइप को जो है इंसर्ट कर दिया है ताकि फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक में पानी आए। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सेकंड टैंक का पानी फर्स्ट टैंक के इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा दोनों में पानी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, है ना। अब मेरे को एक बात बता दो, जब इन दोनों टैंक में पानी सेम आ गया मैंने, और चाहे फिर आप इस पाइप को हटा भी दो, अब मैंने इस पाइप को जो है हटा दिया है, ठीक है, इस पाइप को मैंने हटा दिया है बिकॉज इनका लेवल कैसा हो गया, सेम हो गया है, इनका लेवल जो है सेम हो गया है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दोनों का पानी का लेवल जो है सेम हो गया है, दोनों का पानी का लेवल सेम हो गया। अब मेरे को ये बात बता दो, क्या ये दोनों पानी का लेवल सेम है, इसकी अरेंजमेंट क्या सेम रहेगी, स्टेबल रहेगी, क्या इसकी अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसी है वैसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा अब इसकी अरेंजमेंट में, हाँ क्यों आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों इसकी अरेंजमेंट में कोई चेंज आएगा ऐसा नहीं है। क्यों, पानी जिस टैंक में ज़्यादा था उससे कम हुआ ना टैंक में पानी, ठीक है। उस पानी जैसे मान लो मैंने कह दिया अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसकी अरेंजमेंट है, अब बच्चों ये अरेंजमेंट ऐसे की ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों, चेंज भी तो आया, पहले फर्स्ट टैंक में ज़्यादा पानी था, फर्स्ट टैंक से सेकेंड टैंक में पानी आना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जब दोनों टैंक में सेम पानी है तो अब पानी दोनों में सेम है, चाहे आप पाइप को हमने जैसे रिमूव कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इसकी अरेंजमेंट सेम नहीं रही, इसकी अरेंजमेंट में चेंज आ गया है, पाइप को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, मतलब इसकी अरेंजमेंट हमारे पास सेम नहीं रही है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, कैसे हो गया ये सब कुछ, क्या है इसके पीछे का रीज़न, हाउ, कैसे हो गया है, इसमें पानी ज़्यादा था इसमें कम आ गया, ऐसा हुआ क्या है, प्रोसेस क्या है इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे है पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे है, जब इस पानी की हाइट इतनी थी, मतलब पानी इसमें इतना था, इसकी हाइट इतनी थी और इसकी हाइट तो आपको नज़र ही आ रही होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, ज़्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। और पोटेंशियल एनर्जी आप 9th क्लास में पढ़ के आए ना, डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, MgH, है ना, हाइट तो इसमें आ गई है, MgH, है ना, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो क्या हुआ है, जिसकी ज़्यादा एनर्जी थी उसने कम एनर्जी वाले को क्या कर दिया है, अपनी एनर्जी फ्लो कर दी है, ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ से फ्लो हो गया है ज़्यादा वाले से कम की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी थी। और आपने देखा है जब भी फ्लो होता है
जब भी फ्लो की बात करते हैं वो हायर से लो की तरफ होता है, हायर से लो की तरफ होता है। चाहे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जब भी साइक्लोन वगैरह आया तो आपने देखा हाई प्रेशर होता है, पहले हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाता है ना। तो मतलब क्या, जब भी आप फ्लो की बात करोगे तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। आप कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, आप मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपके पास क्या है, कम एनर्जी है, कम नॉलेज है, मेरे पास थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। डैट्स वाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियो देख रहे हो आप मेरी, ताकि मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको भी मिल सके, है ना। मेरी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, और वो इक्वल हो जाएगी। जब जब आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको भी वो नॉलेज मिलेगी, आप भी गेन करोगे, फिर ऐसे ही आके आपका और मेरा लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, स्टेबल तो नहीं कह सकते, स्टेबल हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों का लेवल। और कब तक देखोगे आप मेरी वीडियोज़ को, जब तक आपकी पूरी नॉलेज गेन ना हो जाए, हाई से लो की तरफ ना चले जाए, और दोनों आपस में क्या ना हो जाए, मेंटेन ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ही ये पानी फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक की तरफ तब तक मूव किया जब तक कि इन दोनों का लेवल क्या ना हो गया हो, सेम ना हो गया हो, है ना। और ये फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप ये भी कह सकते हो इन दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक कि फ्लो हो रहा होगा, हायर से लो जा रहा होगा, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं ये फ्लो कब तक रहेगा, जब तक इनके बीच का डिफरेंस रहेगा, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो फ्लो करना बंद कर देगा, है ना। तो फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक में क्या आएगा, जब उनके बीच में सब कुछ आपस में मेंटेन हो गया है, इक्वल हो गया है, तो फ्लो और कहाँ जाएगा, फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो, तो फ्लो वहीं पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। लेकिन इन सब प्रोसेस में मैम बैटरी का क्या यूज़ है, बैटरी क्या काम कर रही है, अभी हम वो पढ़ेंगे बच्चों। आपको इतना सब कुछ क्लियर हुआ ना, ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल है, मैं अभी इस एग्जांपल को उस बैटरी वाले एग्जांपल के साथ भी कोरिलेट करूँगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं उस तरफ हम। हाँ जी बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ, बाय कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट को डायरेक्शन मिलती है, करंट मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे मैंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर मैंने एक वायर को कनेक्ट किया है, तो करंट मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, मैंने ये बोल दिया आपको। अब मैं क्या इस एग्जांपल को कोरिलेट करूँ उस टैंक वाले एग्जांपल से, यानी कि मैंने इसको मान लिया है ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये मैंने मान लिया है लो पोटेंशियल, कि करंट जहाँ से मूव करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है मूव करेगा। करंट की डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, यानी कि हाई पोटेंशियल से वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और उनके बीच में क्या है, जब तक वो मेंटेन ना हो जाए उनके बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, है ना। अब यहाँ से मैं बच्चों आपसे ना एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगी, कि अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने कहा था कि करंट कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट मूव करता है, करंट ऐसे जनरेट, ऐसे इसकी डायरेक्शन रहती है, और दूसरी तरफ आपने ही कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है उससे करंट जनरेट होता है, ये तो रॉन्ग है, यानी कि आपने झूठ बोला है, यानी मैंने झूठ बोला है। कैसे, वैसे बच्चों जो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन है ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, कैसे निकले हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में क्या हुई है, रिपल्शन हुई है, इनके बीच में हुई है रिपल्शन, ये जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इलेक्ट्रॉन आया है, इसने क्या किया, इसको धक्का मारा है, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए हैं, ये मूव करके नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव की तरफ आए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आए हैं,
और करंट जो है इसकी वायर में से मूव किया है। लेकिन बाय कन्वेंशनली मैम आपने बोला है कि करंट की डायरेक्शन हमने जितना भी पढ़ा है, हमने बुक्स में पढ़ा है, करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये आप कैसे कह सकते हो कि करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? किसी बुक में लिखा ही नहीं हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन ही रहती है करंट की? ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हो सकती है, ऐसा कहीं पे आपने पढ़ा ही नहीं है, है ना? तो मैं आपको, मैंने जैसे खुद ही बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से जो करंट जो है जनरेट हो सकता है। लेकिन बच्चों रियलिटी में क्या है? रियलिटी में यही मान के चलना है कि जो करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशनली, जो हम कन्वेंशनली पढ़ते हैं वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? पुराने टाइम में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा है कि करंट कैसे बनता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थंडरस्टॉर्म, अब ये सब किस कैसे होते हैं? नेचुरल फिनोमिना है, गॉड की वजह से होते हैं। तो गॉड वाला नेगेटिव कैसे हो सकता है? वो तो पॉजिटिव है, तो डैट मीन्स जो करंट है पॉजिटिव है, है ना? तो उन्होंने माना पॉजिटिव है, तो हम भी पॉजिटिव पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि उस समय इतना रिसर्च नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो डैट्स द रीज़न, सिर्फ ये रीज़न था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट की डायरेक्शन मूव करती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब जैसा हमारे साइंटिस्ट ने कहा है हम वैसा मान के चल रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो जितनी थ्योरम्स उनकी इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग प्रूफ हुई है वो सब रॉन्ग हो जाएंगी, है ना? तो ऐसे नहीं करना है। तो आपने क्या मान के चलना है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है। ऐसे ही आप इसको लेके चल लो, मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की है नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप ऐसे ही इनको लेके चल लो। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव इनके बीच में क्या होएगी? सेम रिपल्शन होएगी। और ये क्या करेंगे? इसको धक्का देके मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, ये ऐसे मूव करेगा, है ना? पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। तो आप ऐसे मान लो, बात तो सेम ही रहेगी, लेकिन एक लॉजिक ये है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही जो करंट जनरेट होता है ऐसे ही करंट जनरेट होता है। लेकिन हम बाय कन्वेंशनली वाले को जो है यूज़ करेंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे। और ये इतनी नॉलेज जो है आपकी, अब आपको पता है, आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन की होगी, बुक में सीधी सी डेफिनेशन लिखी है, उसका फॉर्मूला लिखा है, उसका न्यूमेरिकल दिया है। इतना ब्रीफली आपको कोई नहीं बताता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है? फर्दर आप इसके बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? तो यहाँ से कन्वेंशनली जो है आपका करंट कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? समझ में आया इतना कि इतना कोई खास फर्क नहीं है, चाहे आप नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करो, पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात करो। आप टैंक वाला एग्जांपल भी इससे कोरिलेट कर सकते हो, है ना? यहाँ से आप टैंक वाला एग्जांपल भी कोरिलेट कर सकते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा ये, है ना? तो यहाँ से इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, यहाँ से इसका डायग्राम। हाँ जी बच्चों, आई नो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। अब आई क्या है? आई आपके पास कन्वेंशनल करंट है, जो कि हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। इस आई को हम इसे यूज़ करेंगे। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ई है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट है, नॉलेज के लिए बता रही हूँ, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी को लेके चलेंगे। और फर्दर बड़ी क्लासेस में भी हम कन्वेंशनल करंट का ही यूज़ करेंगे, हम इसको ही यूज़ करेंगे, हम यही पढ़ेंगे कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है, ना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि करंट वैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। तो आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैम, इन सब के अंदर, चीज़ों के अंदर बैटरी का क्या रोल है? बैटरी का ये भाई मेन रोल है। अगर बैटरी ना होती, ना तो इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगता, ना इनके बीच में रिपल्शन होती, और ना ही इस नेगेटिव रिपल्शन होती, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना?
तो बैटरी का ही मेन रोल है, बैटरी है, इसके दो टर्मिनल हैं, इनकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज ने भी रिपल्शन फील करी और इस नेगेटिव चार्ज ने भी, अगर हम बात करते हैं, इसने भी रिपल्शन फील करी। तो बैटरी का ही सबसे ज़्यादा मेन रोल है। अगर बैटरी ना होती, इनको धक्के ना लगते, ये मूव ना करते तो इलेक्ट्रिक चार्ज ना जनरेट होता, इलेक्ट्रिक चार्ज ना होता तो करंट ना जनरेट होता। तो सारा खेल किसका है? इस बैटरी का खेल है, सारा खेल इस बैटरी का है, इस वोल्टेज का कह लो, बैटरी है, वोल्टेज है, सारा खेल ही इसका है। तो समझ में आया यहाँ से क्या रोल है और क्या खेल है इसका, है ना? अब एक और क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा आपके माइंड में, कहते रहोगे मैम आपके माइंड में, हमारे माइंड में तो कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं हो रहे क्योंकि हम कमेंट ही नहीं करते, मैम आपके माइंड में सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। चलिए मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि अगर इधर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर में, तो यहाँ पे क्या 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा? अगर यहाँ 5 का कर रहा है तो यहाँ पे 2 का करेगा? ऐसा नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ 5 एम्पियर का है, यहाँ भी 5 एम्पियर का होएगा। अगर यहाँ पे 10 एम्पियर का है तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर का होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि पूरी वायर के अंदर सेम एम्पीरियर में करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, उनकी वैल्यू जो है सेम होगी, करंट की वैल्यू जो है सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी, सेम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया? कन्वेंशनली वाले को, अब करंट को हम आगे लेकर चलेंगे। अब थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी, यहाँ से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। हाँ जी बच्चों, वैसे वोल्टेज है क्या, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है क्या? वो एक वर्क डन ही है ना। कैसा वर्क डन है? वोल्टेज आपके पास चार्ज पर मारा हुआ धक्का, हिंदी में क्या है वोल्टेज जो है वर्क डन के इक्वल कब होगी? वैसे तो मैं कह सकती हूँ दोनों आपस में इक्वल ही है, काम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, हाई प्रेशर या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ रहा है ना, फ्लो हो रहा है चार्ज का, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, वर्क डन ही हो रहा है, एक तरह से काम ही हो रहा है ना। जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो करंट क्या होगा, जनरेट होगा, तो एक तरह से वर्क डन ही हो रहा है। तो वोल्टेज आपके पास वर्क डन के ही इक्वल है, लेकिन यहाँ पर मैं एक कंडीशन को जो है ले लेती हूँ। क्या कंडीशन है? ये वोल्टेज इस वर्क डन के इक्वल कब होगी? जब चार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है, जब चार्ज आ जाएगा। यानी कि वोल्टेज वर्क डन के इक्वल कब होगी? वोल्टेज को आप कह सकते हो एक तरह से वर्क डन ही है, क्या है, चार्ज को धक्का मारेंगे तो चार्ज मूव करेगा, तो वर्क डन ही हो रहा है, चार्ज को धक्का मारना और वर्क डन होना। तो वोल्टेज आपके पास वर्क डन के ही इक्वल है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं अब इसकी। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहा है। डायरेक्शन तो वैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन्स वाली दिखा रखी है डायरेक्शन में कि इधर से इधर आ रहा है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, इनके बीच का डिफरेंस है। इसने धक्का मारा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे, तभी तो वर्क डन हो रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी यही आएगी, इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, यानी कि V इज इक्वल टू W इंटू W बाय में Q, ठीक है, V इज इक्वल टू W बाय में Q। ये आपका इस चैप्टर का जो है थर्ड फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के ऊपर जो है न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं, ठीक है। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास यूनिट क्या है? V है आपके पास। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपके पास क्या है? V है, ठीक है। V से हम इसको डिनोट करते हैं वोल्टेज को, ठीक है। वोल्ट है यानी कि इसका यूनिट क्या है? वोल्ट है यानी कि V है। अब ये बताओ मुझे, ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल कब होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल कब होगा? कब होगा ये 1 वोल्ट के इक्वल? जब 1 जूल का
वर्क डन होगा और 1 कूलम के चार्ज को वो धक्का मारेगा। जब 1 जूल का वर्क डन होगा और 1 कूलम के चार्ज को वो धक्का मारेगा, जो वर्क डन है उसको हम लेते हैं जूल में काउंट करते हैं। आपने यूनिट पढ़ी होगी 9th क्लास में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा वर्क डन के बारे में, इसको जूल में लेते हैं। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल का धक्का लगेगा, 1 जूल का वर्क डन होएगा और 1 चार्ज का धक्का मारने से 1 जूल का वर्क डन होएगा, यहाँ से बोल सकते हो आप। तो 1 कूलम का चार्ज लगेगा, तो यहाँ से तभी आपके पास ये 1 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन 1 जूल इज वर्क डन इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। या आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आपको 1 कूलम का चार्ज जो है भेजना होगा, उधर मूव कराना होगा, और इसमें कितना वर्क डन लगेगा, 1 जूल का वर्क डन होएगा, तब आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से, मैं अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ इसको जी। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया सेम डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय मी 1 कूलम, तो आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से जी बच्चों। वोल्टमीटर के बारे में बता देती हूँ एक बार मैं आपको, वोल्टमीटर क्या होता है, व्हाट इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज से आप पोटेंशियल डिफरेंस को जो है मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिसके यूज से आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा ये कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर। ठीक है, उन पॉइंट्स के अक्रॉस इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल में ये पिछले हमने सीरीज में पढ़ा है ना, अब इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में क्या कनेक्ट होता है क्या चीज़, अभी हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये वोल्टमीटर का याद रखिए, पूछा जाता है करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, और वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपके पास वोल्टमीटर का यूज़ होता है। क्लियर हुआ यहाँ से, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से डेफिनेशन। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट। कितना वर्क होगा जब एक 4 कूलम का चार्ज जो है 24 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले हम यहाँ से जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें चार्ज कितना दे रखा है, यानी कि क्यू दे रखा है, क्योंकि वैल्यू 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हमें दे रखी है 24 वोल्ट, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है हमें। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कि वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय में चार्ज, यही पढ़ा है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से निकालना ही वर्क डन है, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू चार्ज। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, कितनी आ जाएगी, वोल्ट कितनी दे रखी है, 24 वोल्ट इंटू 4 कूलम। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका, कैलकुलेट करिए, 96 कूलम, यानी कि वर्क डन है। तो यहाँ से लिख दो आप, 96 जूल आपका वर्क डन हुआ है, कि 96 जूल का वर्क डन हुआ है जब 4 कूलम का चार्ज जो है 24 वोल्टेज के अक्रॉस मूव किया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से न्यूमेरिकल। तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना थ्रू कॉमेंट सेक्शन। ओके, तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना।
और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलना, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो अगली वीडियो आएगी इस चैप्टर की उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलेगी, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, और साथ में पिछली वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लिंक पर जाकर क्लिक करिए, फटाफट से ये तीनों काम कर लीजिए, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना इतना चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, एनसीईआरटी की बुक से भी कवर कर लेना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।